फ्री बॉडी डायग्राम जो कि पूरा का पूरा जो एनएलएम है या फिर वर्क एनर्जी आगे आएगा या कोई भी चैप्टर मैकेनिक्स का आएगा उसमें फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एक बॉडी को अलग करके उसके ऊपर सारे फोर्सेस को एनालाइज करना वो हम आज सीखेंगे आज के लेक्चर में और जिन बच्चों को भी फ्री बॉडी बनाने में डिफिकल्टी आती है या फिर आपने नहीं पढ़ा हुआ है आपके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने चार टाइप के फोर्सेज की बात करी थी और हमने बोला था कि सारे दुनिया में जो फोर्सेज आते हैं इन चार फोर्सेज से ओरिजिनेट होते हैं सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे कि आपने आ, सीखा था कि वेट जो हम डे टू डे लाइफ में स्टडी करते हैं एम के बारे में वो ओरिजिनेट हुआ था फिर हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फोर्स चाहे वो टेंशन हो नॉर्मल हो चाहे वो स्प्रिंग फोर्स हो चाहे वो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या फ्रिक्शन का फोर्स हो ये सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर कैटेगराइज होता है जिसको हम अलग अलग हमने डिटेल में देखा भी था फिर वीक फोर्सेस की बात करी थी कि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बट अदरवाइज वीक फोर्सेस न्यूक्लियर प्रोसेसेस में होने वाले फोर्सेस को हम वीक फोर्सेस बोलते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें काम नहीं आते हैं और स्ट्रॉ फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखते हैं उसको हम फोर्सेस बोलते हैं अ वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस अगेन डे डे टू लाइफ में हमें ये दोनों फोर्सेस काम नहीं आएंगे और इनको हम ट्वेल्थ में स्टडी करने वाले इनफैक्ट डिटेल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हम ट्वेल्थ में ही स्टडी करने वाले हैं तो आज का जो लेक्चर है जैसा मैंने आपको बताया कि हम किस पे डिवोट uh, कर रहे हैं आज का पूरा का पूरा लेक्चर हम एफ पे और कुछ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो भी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन हो सकता है तो हम करेंगे नहीं तो उसको वैसे का वैसा लीव कर देंगे फिर हम अगले लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम बाकी सारी चीजों की बात करेंगे क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है मोस्टली उसका एप्लीकेशन रोटेशन या फिर जब आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तब आएगा बिकॉज इक्विलिब्रियम कैन बी ट्रांसलेशनल लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एंड इट कैन बी रोटेशनल एंड देयरफॉर आफ्टर रोटेशन में कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्टडी करना ज्यादा बेटर होता है हालांकि बहुत सारे टीचर्स यही पर बट पर्सनली आई प्रेफर कि इक्विब्रियम को अगर हम रोटेशन के बाद लेके आए या रोटेशन के चैप्टर में जब टॉर्क आप समझ लेते हो तब आपको इंट्रोड्यूस किया जाए तो बेटर होता है एक साथ उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना करना तो है ही हम तो बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले वेट की बात करी और हमने बहुत सारे डायग्राम ब्रॉ किए और बताया कि वेट किस तरीके से एक्ट करता है वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट आपस में यहां पे आप देखो इसके साथ कॉन्टैक्ट में है टेबल के साथ बट वेट कौन लगा रहा है अर्थ लगा रहा है तो इस टेबल से इंडिपेंडेंट है या टेबल पे रखा होता या इसको हवा में रखते या इसको टेबल को हमने इंक्लाइन कर दिया तो हमने रखा हुआ है यहां पे मास को तो मास पे जो वेट लगता है जो फोर्स लगता है वो एम कहलाता है और वो फोर्स हमेशा अर्थ के इंट्रैक्शन अर्थ और मास के इंट्रैक्शन की वजह से होता है ये हमने लास्ट में पढ़ा था। और किस तरीके से कनेक्टेड है बट मतलब तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कोई लेना देना वेट का नहीं है इस पे इंडिपेंडेंट वेट इस पे इंडिपेंडेंट वेट लगेगा और सिमिलरली हर जगह पे हमने वेट की बात करी थी तो दैट वॉज दी फर्स्ट फोर्स जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होता है एम जी इज अ फोर्स एंड देयर फोर ये जो फोर्स है इसका भी ऐसा यूनिट इज न्यूटन और एम जी जो भी वेट लिखते हैं हम न्यूटन में लिखते हैं और हम इसको के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं तो so ये आपका लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी फोर्स हो दुनिया में हम उन सब का जो ऐसा SI यूनिट है वो न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन अंकल को हमने डेडिकेट किया हुआ है इसका ऐसा SI यूनिट और

अगर स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है एक जगह पे तो वो एक ब्लॉक पे लगा रहा होगा स्ट्रिंग का जो दूसरा कोना है वो दूसरे ब्लॉक पे भी सिमिलर टेंशन लगा रहा होगा अभी हमने ये नहीं बात किया और हमने क्या कहा था हम अज्यूम करेंगे इसको मासलेस मास होगा तो उसको हम अलग से न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे और मासलेस क्यों अज्यूम करते हैं ये आपको होमवर्क में बताना है मुझे कि मासलेस हमने स्ट्रिंग को क्यों अज्यूम किया है और इसका मैं आंसर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद बताऊंगा कि हम मासलेस क्यों स्ट्रिंग को अज्यूम करते हैं इसका आंसर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में डिफरेंट स्ट्रिंग विल हैव डिफरेंट टेंशन हम लोगों ने इसकी भी बात करी थी कि भाई अगर स्ट्रिंग अलग अलग होगा जैसे यहां पे एक स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग तीसरा स्ट्रिंग तीनों पे टेंशन अलग अलग होगा तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग दि स्ट्रिंग टेंशन जो है हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगता है स्ट्रिंग के ओर लगता है हमने ये भी बात करी थी so, ये सारे प्रॉपर्टीज हमने आ, और के बारे में बताया था स्ट्रिंग में लगता है, string में, string की लगता है, होता है यहाँ पे हमने लास्ट हम लेक्चर में बोला था और लास्ट फोर्स हमने जिसके बारे में स्टडी किया था वो नॉर्मल फोर्स और मैंने बताया था जैसे टेंशन होता है वैसे ही नॉर्मल फोर्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट विल आल्सो एक्ट इन पेयर

नॉर्मल विल बी डिफरेंट ये हमने बात करी थी कि अगर ये सर्फेस है ये सर्फेस है और ये सर्फेस है तीन सर्फेस है तो तीनों पे नॉर्मल अलग अलग बात करेगा या अलग अलग एक्ट करेगा और आपको जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक नॉर्मल जीरो होता है ये याद रखना दो सर्फेस के बीच में जैसे हमने ये बोला था कि ये अगर फोर्स नहीं होता तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल जो है जीरो होता अगर ये फोर्स नहीं होता नीचे की ओर हमेशा क्यों लगता है नॉर्मल क्योंकि हमेशा वेट एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा होता है एम वन के ऊपर और उसकी वजह से नॉर्मल लग रहा होता है हमेशा इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सो नॉर्मल ऑलवेज कम्स इफ देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जैसे हमने बोला कि इस फोर्स को हटा दू, तो यहां पर इस डायरेक्शन में इन दो सर्फेस के बीच में इस डायरेक्शन में नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाएगा ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था एक बार वीडियो देख लेना अगर नहीं आपने देखा है तो नाउ आज का लेक्चर हम यहां से स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन आपके जे मेन में आया था अगेन मैं इस चैप्टर को स्पेशली एफ को मैं जेई मेन नीट या एडवांस के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं। मैं ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी आई ट्राई टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम हियर बिकॉज फ्री बॉडी डायग्राम अगर एक बच्चे को ढंग से बनाना आ गया तो मैकेनिक्स में ये मान के चलो कि आपकी आधी सिरदर्दी खत्म हो गई बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में उनको फ्री बॉडी बनाना मतलब ये तो चलो ये तो ऐसे सीख लेंगे और उस चक्कर में फ्री बॉडी को स्किप कर जाते हैं आई स्पेशली अगर आप इलेवेंथ में हो अगर आप अभी ट्वेल्थ में हो और ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मैं इतना ज्यादा इंकरेज नहीं करूंगा आप जिन जो तरीका सीखा है आप उसको अप्लाई करो बट अगर आप इलेवंथ में हो और अभी मिड ऑफ द ईयर है अभी भी अगर आप फ्री बॉडी को स्किप करे तो वापस फ्री बॉडी पे जाओ और वापस से इसके जितने भी अभी तक आपने वर्क पा एनर्जी का चैप्टर किया है न्यूट्रन लॉ का चैप्टर किया है या फिर रोटेशन का चैप्टर किया है आप सब में टाइम लगा के फ्री बॉडी बनाने की कोशिश करो फोर्सेस को बनाने की कोशिश करो और जब तक आप फोर्स समझ में नहीं आ जाता तब तक आप उसको बनाते रहो ट्राई करते रहो विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन ठीक है चलो यहां पे क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड टेंशन टी हम यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और आगे आज के लेक्चर में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं लिया है आई विल बी ओनली फोकस्ड ऑन फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है बच्चों अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था स्ट्रिंग यहाँ पे अगर देखें तो तीन स्ट्रिंग है एक स्ट्रिंग इधर की ओर इस पे टेंशन लगेगा फिर ये गांठ है मतलब ये नॉट है यहां पे इसको नॉट मैंने क्या बोला था नॉट के चारों ओर जो स्ट्रिंग है उस पे टेंशन अलग-अलग लगेगा एक टेंशन इधर ये टी मान लो ये नहीं दिया हुआ है ये टी1 मान लेते हैं और उधर इधर की ओर एफ है हालांकि चूंकि बॉडी यहां पे दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम में है 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो यहां पे बहुत सारे आपको

और बोला इस पे जो वेट लगेगा नीचे की ओर वो एम इन टू जी होगा और ऊपर की ओर जो लगेगा वो टी वन होगा क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि इस तरीके से ये इंसान जो है या टेंशन जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और सेम स्ट्रिंग में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे यहां पे टेंशन क्यों मैंने अलग किया क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग बदल गया और यहां पे एफ दिया हुआ है और आपको एफ की वैल्यू नहीं दी हुई है ठीक है तो ये आपके पास सबसे पहले ये पहला फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया पहला स्टेप तो यही होता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम पहले स्टेप से करते हैं और मैं इसलिए थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे आप फ्री बॉडी पे कंफर्टेबल हो जाओगे तो दुनिया में किसी भी लेवल के प्रॉब्लम्स को आप ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लोगे तो यहां पे अब हम क्या करेंगे बिकॉज इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट है ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो मैं किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मैं इनको रिजोल्व कर सकता हूं मैं ऐसे रिजोल्व कर सकता हूं मैं ऐसे रिजो कर सकता हूं तो इक्लिबियम में चूंकि नेट फोर्स जीरो लग रहा है मैं किसी भी डायरेक्शन में बट तो यहाँ पे आसान यह होगा कि मैं हॉरिजोंटल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस और वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को रिजोल्व करूं सो बिकॉज एंगल यहां वर्टिकल के साथ दिया हुआ है तो आपको पता है कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा इस तरीके से ये और ये वाला एंगल जो है ये थीटा हो जाएगा यही होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखो यहां पे थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा दिस इज थीटा तो ऊपर इसका कॉम्पोनेंट टेंशन का कॉम्पोनेट इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में टेंशन का कॉम्पोनेट टी साइन थीटा अब तो आसान हो गया टी कॉस थीटा टी वन के बराबर हो गया एफ टी साइन थीटा के बराबर हो गया क्योंकि यहां पर चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो तो ये वाला फोर्स इसके बराबर और ये वाला फोर्स इसके बराबर और ये इसके बराबर इसका मतलब है टी थीटा एम जी के बराबर, और एफ जो है थीटा थीटा के के बराबर बराबर और जो वो होगा आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो मैं केवल फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आपको ये बता रहा था आप खुद आंसर कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे होमवर्क की तरह आप आंसर बता दोगे तो मुझे ठीक है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर आंसर मैंने बताया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं केवल प्रोसेस और किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है मैं अभी केवल इंटरेस्टेड हूँ अब चलते हैं है, उसकी बात करते हैं तो किस तरीके से हम फ्री बॉडी बनाते हैं आज हम इंक्लाइन की बात करेंगे और इंक्लाइन की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे तो इंक्लाइन प्लेन सबसे पहले क्या होता है बच्चों अगर आपने कोई भी एक सरफेस लिया जो कि प्लेन सरफेस है इस तरीके से और उस सरफेस को आपने धीरे 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 उठा दिया तो क्या हो गया ये इंक्लाइन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सरफेस जो है हॉरिजोंटल के साथ एंगल बना रहा है मतलब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं एक सरफेस को फ्लैट रखता हूं मतलब ये सरफेस फ्लैट है अब अगर मैं इसको उठाना शुरू कर दू इस तरीके से तो ये जैसे जैसे मैं उठाऊंगा इंक्लाइन जो है कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा हॉरिजोंटल के साथ मान लो ये थीटा वन है और हॉरिजॉन्टल के साथ देखना है थीटा टू हो गया और ये एंगल जो है मान लो थीटा थ्री हो गया तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ द इंक्लाइन और हम यहां पे ये ये एंगल हो गया इंक्लाइन का और इंक्लाइन इज एनी सरफेस विच मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कोई भी सरफेस जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है अब यहां पे इंक्लाइन की मैं प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी इंक्लाइन होता है तो एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन के ऊपर कंस्ट्रेंट होता है मूव करने के लिए मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है अगर मूव करेगा तो वो हमेशा किधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा एंड या तो ऊपर आप थ्रो करोगे तो भी सरफेस के लॉन्ग मूव करेगा या फिर अगर नीचे जा रहा होगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा एंड देयरफॉर व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्लाइन जब भी एक प्रॉब्लम हो इंक्लाइन की तो हमेशा आप अलोंग द इनक्लाइन बिकॉज मोशन किधर हो रहा है इट इज कॉन्स्टेंट टू मूव अलोंग दी सर्फिस ऑफ द इनक्लाइन कॉन्स्टेंट का मतलब है पहले मैंने जमीन पे फेंका था तो सीधा जा रहा था लेकिन जैसे मैंने इंक्लाइन किया इंक्लाइन के अलोंग या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर इंक्लाइन के अलोंग मूव कर रहा है एंड देयर फोर वी हैव टू वी हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द इंक्लाइन और इसीलिए जितने भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे यहां पे इंक्लाइन के केसेस में मैं पहले इसको हटा देता हूं तो इंक्लाइन के केसेस में सबसे पहले वी विल रिजॉल्व रिजॉल्व ऑल फोर्सेस एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंट प्लेन ठीक है मतलब क्या हुआ हम इसको एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को इसको हम वाई एक्सिस मानेंगे ठीक है हम ए, सारे फोर्सेस को X, जो मैंने यहां पे लिखा है और वाई उसके अलोंग रिजॉल्व करेंगे दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी इंक्लाइन प्रॉब्लम कोई भी इंक्लाइन का प्रॉब्लम होगा हम एक्स और वाई जो है अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन के अलोंग सॉल्व करेंगे तो पहला वाला केस लेते हैं और वहां पे देखते हैं कि यहां पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं जो भी अभी तक हमने सीखा है एंड वी आर अज्यूमिंग कि अभी हम फ्रिक्शन के बारे में नहीं जानते हैं सारे सर्फिस स्मूथ हैं मतलब फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा अभी केवल केवल हम हम और और हम कोई भी लॉ नहीं लगाने वाले फ्री बॉडी डायग्राम पे स्टिक करेंगे आज का लेक्चर ठीक है तो यहां पे आप देखोगे सबसे पहले हम यहां पे एम जी ड्रॉ करेंगे एम जी इज अ फोर्स जो कभी नहीं मिस करेंगे हम एम जी हमेशा नीचे की ओर एक्ट करेगा और, और इसलिए हम सबसे पहला फोर्स एम जी ड्रॉ करेंगे फोर्स क्योंकि सर्फेस लगेगा और वो इस तरीके से नॉर्मल फोर्स हमने परपेंडिक हम और एम पे दो फोर्सेस लग रहे हैं एक एमजी नीचे की ओर एक नॉर्मल ऊपर की ओर अब हम क्या करेंगे Again, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री बॉडी के साथ साथ द सेकेंड स्टेप इज जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है अगर आप उसके एलोंग सारे फोर्सेस को सही सही रिजोल्व कर लेते हो तो रेजोल्यूशन तो डायरेक्शन में इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन करना चाहिए तो यहां पे हम क्या करेंगे एमजी के दो कॉम्पोनेट करेंगे नॉर्मल ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है तो इसका कोई भी कॉम्पोनेट इस डायरेक्शन में नहीं होगा परपेंडिकुलर है तो इसका 90 डिग्री पे कॉस कंपोनेंट क्या होता है जीरो एंड नॉर्मल को हम छेड़खानी नहीं करेंगे अब है. तो अब एमजी का डायरेक्शन कैसे देखेंगे तो ये क्या हो गया नाइनटी माइनस थीटा हो गया और एमजी तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा एंड ये वाला कॉम्पोनेट तो क्योंकि देखो क्या किया मैंने आपने एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दिया h पे तो ये एंगल कितना हो गया 90 थीटा एंड mg किधर एक्ट कर रहा था नीचे की ओर तो ये एंगल कितना हो गया थीटा विथ दिस परपेंडिकुलर लाइन एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू mg कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट इधर की ओर है तो एक कंपोनेंट नीचे की ओर होगा और एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन होगा और ये कितना हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा मतलब मैं इस पूरी चीज को एक पॉइंट ले सकता हूं क्योंकि हम सारे पार्टिकल को पॉइंट पार्टिकल मान रहे हैं और मैं इसके सारे फोर्सेस जो है वो इस तरीके से रिजॉल्व कर सकता हूं इस डायरेक्शन में एन नीचे की ओर एम जी कॉस थीटा और इसके इस डायरेक्शन में हम बना रहे हैं एम जी साइन थीटा ओके रिमेंबर ये अगर थीटा है तो ये नाइनटी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये एंगल जो है ये परपेंडिकुलर है एंड एंगल परपेंडिकुलर है एंड थीटा 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 वापस से ये theta. तो ये तो तीन फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं इंक्लाइन के ऊपर ऑब्वियसली हमने कहा था कि नॉर्मल जो है वो इंक्लाइन पे भी लगेगा क्योंकि इंक्लाइन अगर मूव नहीं कर रहा अभी फिलहाल के लिए हम इंक्लाइन की बात नहीं करें केवल इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं ठीक है अब इस केस में फिर से वैसे ही ड्रॉ करेंगे अब हम परफेक्ट हो गए तो इसको खुद से ड्रॉ करो टाइम लेके वीडियो को पॉज करके नीचे की ओर एम जी अगर ये थीटा है तो एम जी क्या होगा स्ट्रिंग लगा हुआ है तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है हमेशा मैंने क्या बोला था स्ट्रिंग में आप ये अज्यूम करते हो कि स्ट्रिंग जो है टेंशन अपनी तरफ खींच रहा है तो इधर की ओर टेंशन लगेगा टी. तो इस ब्लॉक के ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर चार फोर्सेस लगे एक टेंशन इधर की ओर एक MG थीटा इधर इधर की 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 ओर ओर ये क्वेश्चन आपके जेई मेन में में नीट में आ सकता है टेंशन की की निकाल लो और इधर की ओर थीटा इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा अगर फ्रिक्शन भी दे दूंगा तो तो पूछा जाएगा टेंशन जीरो भी हो सकता है क्या बट वो अभी हम नहीं बात करेंगे ठीक है तो दिस इज द सेकंड केस थर्ड केस हम यहां पे एक और चीज इंट्रोड्यूस करते हैं पुली को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना पुली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आपने कई बार अगर जिम देखा जिम गए गय हो गए या जिम किया होगा आपने या कभी देखा होगा किसी मूवी में किसी को जिम करते हुए तो पुली तो हमेशा हर जगह पे जिम में होता ही होता है मतलब वो वेट को मूव कराने के लिए यूज करते हैं सो so, पुली की जो प्रॉपर्टी अभी हम अज्यूम करेंगे यहां पे सो so, लिख लो आप यहां पे पुली इट विल बी एज्यूमड सबकी बात हम करेंगे क्यों करते हैं टू बी मासलेस रोटेशन में इसको हम डिटेल में देखेंगे कि पुली को हमने मासलेस क्यों लिया एंड इट इज अज्यूम्ड अंटिल क्वेश्चन टू बी फ्रिक्शनलेस ठीक है मतलब पुली को हम अज्यूम हैं कि फ्रिक्शन नहीं है ताकि कुछ टॉर्क वॉर्क की बात हम नहीं करें ठीक है तो बेसिकली इसके ऊपर बस स्लाइड कर रहा है पुली मूव नहीं कर रहा तो बस मान लो कि जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है और उसको घुमा नहीं रहा क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो उसको घुमाएगा भी पुली को तो हम हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सो वील अज्यूम दैट इट इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस बस ये अभी अज्यूम करेंगे अब इसके ऊपर अगर मुझे सारे फोर्सेज बनाने हैं इस मास के ऊपर मैं ये बना सकता हूं यहां पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर एम जी थीटा इधर की ओर थीटा और पीछे की ओर टेंशन फोर्स इस तरीके से अब चूंकि पुली है तो यहां पे एक हम पुली के ऊपर भी जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं तो हमेशा याद रखना बच्चों यहां पे सेकंड एक और कॉन्सेप्ट जो है वो ये होगा कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं ये मूविंग है ये नहीं है मूविंग बट इस पर भी फोर्स बना लो कई बार पूछा जा सकता है और ये मूविंग है तो इन सबका फ्री बॉडी बनाना है तो इसके ऊपर टेंशन इसके ऊपर टेंशन अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या मैंने की है अभी कि कि ये स्ट्रिंग 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 सेम है और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि अगर नहीं बदल रहा है स्ट्रिंग सेम रहता है तो टेंशन भी क्या रहेगा सेम रहेगा तो जब तक स्ट्रिंग नहीं बदलता है जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं करता है तब तक टेंशन विल ऑलवेज रिमेन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग मासलेस है स्ट्रिंग हम मान चुके और चूंकि स्ट्रिंग में कोई भी गांठ नहीं है कोई भी नॉट नहीं है कोई स्ट्रिंग बदल नहीं रहा तो यहां पे हर जगह पे टेंशन सेम रहेगा एंड देयर फोर इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर की ओर टेंशन इस तरीके से दिखेगा तो अब यहां पे ये हो गया एक पुली हो गया और एक ये मास हो गया मान लो इसको एम वन बोल देते हैं इसको एम टू बोल देते हैं यहां पे एम वन जी इसको भी एम वन जी और इधर की ओर एम टू जी तो अब तीनों को अलग अलग करके एक बार सारे सारे फोर्सेस देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ठीक है तीनों को अलग अलग करके हम फोर्सेस देखेंगे सबसे पहला ब्लॉक अगर मैं ब्लॉक केवल देखता हूं यहां पे इस तरीके से तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में एम वन जी कॉस थीटा एक अलोंग द इंक्लाइन, एम वन जी साइन थीटा पीछे की ओर टेंशन ये चार फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं अगर मैं पुली की बात करता हूं तो पुली पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं पुली पे एक टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा है और एक टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा है इस तरीके से तो पुली के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है है कि नेट फोर्स क्या है, वो अभी हम बाद में करेंगे ठीक है मतलब अगर रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है पुली के ऊपर तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो हमें देखना है ठीक है ये अलोंग द इंक्लाइन है ये नीचे की ओर है तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम और मुझे आप बताओ मान लो तो ये रिएक्शन फोर्स कितना होता है ये भी आप मुझे होमवर्क में कमेंट में बताना आप ठीक है अब एम टू जी अगर मैं एम टू जी की बात करता हूं तो एम टू जी पे एक फोर्स ऊपर की ओर टी और नीचे की ओर एम टू जी और अगले लेक्चर में हम एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे वी विल टॉक अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तब हम एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया एक

मतलब यहां एम वन से एम टू कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग ना तो गांठ बंदी है ना स्ट्रिंग चेंज हुआ है एंड देयर फोर द स्ट्रिंग इज सेम एंड देर फोर इस एम वन बात करें तो इधर की ओर एम वन जी साइन थीटा वन ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर एम वन जी थीटा वन और इधर की ओर टेंशन ये चार फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहे हैं इस पे भी चार फोर्स लगेंगे अलॉन्ग दू जी साइन ऑफ थीटा ये याद रखना ये हमेशा इधर की ओर लगेगा अलोंग द इंक्लाइन नीचे की ओर इधर की ओर ऑफ थीटा टू परपेंडिकुलर टू द सर्फेस नॉर्मल रिएक्शन और पीछे की ओर ये सेम टेंशन फोर्स लगेगा ये सेम टेंशन जो है इधर की ओर भी लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग नहीं बदल रहा है तो टेंशन फोर्स भी नहीं बदलेगा और पुली की अगर हम बात करें तो पुली पे एक इधर की ओर टेंशन लगेगा टी और एक इधर की ओर लगेगा टेंशन टी ये दोनों सेम होंगे एक इधर की ओर टी और एक इधर की ओर टी और इसका रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरीके का होगा एंड देयरफॉर हम रिएक्शन फोर्स निकाल सकते हैं जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ठीक है इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे यहां पे आप खुद देख सकते हो आप इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्योंकि अगर एंगल सेम है तब तो इस डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और अगर नहीं है तो आप ये एंगल निकाल सकते हो ये पूरा जो एंगल है ये वाला एंगल निकाल सकते हो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू ये एंगल निकल जाएगा एंड देयर फॉर रिजल्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू

माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू तो इन दोनों का जो सम uh, होगा उसको माइनस कर दो कई बार इंटरेस्टिंगली वो 90 डिग्री होता है क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 90 डिग्री कितना होता है ठीक है एंड मोस्टली जेई मेन में नीट में अगर सवाल आता है तो वो वाला आएगा जिसमें कि एंगल 90 डिग्री दे, दे देंगे या फिर ये, 30, ये 60 दे, दे देंगे ये आपको बताएंगे नहीं ये थर्टी सिक्सटी ये तो ये नाइनटी हो जाएगा ये फोर्टी फोर्टी फाइव ये, 45, ये 90 हो जाएगा ये कई बार ऐसा दे देंगे कॉम्प्लेक्स हो सकता है है uh, मतलब लेट्स अज्यूम दे देंगे ठीक जो कि कई बार आपको वैल्यूज याद नहीं होती तो वैसा क्वेश्चन दे सकते हैं सो यू हैव टू लुक एट कि अगर इन दोनों का सम नाइन्टी है तो नाइन्टी हो जाएगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है आई होप सबको समझ में आ रहा है नेक्स्ट हम पुली की बात करेंगे तो जैसा मैंने पुली के बारे में बताया कि पुली को हम अज्यूम करेंगे

स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग सेम का मतलब बच्चों मैंने बार बार बोला है स्ट्रिंग सेम मतलब टेंशन सेम हर जगह टेंशन सेम यहां पे इस केस में दो अलग अलग स्ट्रिंग है एक स्ट्रिंग एम टू और को मतलब वाला जो स्ट्रिंग है वो ये स्ट्रिंग से एम और एम वाले से डिफरेंट है मतलब दोनों में टेंशन अलग अलग होगा यहां पे इंटरेस्टिंगली एक M1 से लेके सीलिंग तक जा रहा है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेम है एंड देर फोर इसके ऊपर जो टेंशन होगा हर जगह पे सेम होगा और यहां पे ये वाला जो ब्लॉक है वो M2 से कनेक्ट कर रहा है ये ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग बदल गया एंड इसके ऊपर जो टेंशन होगा ये होगा डिफरेंट अब ड्रॉ करते हैं इसमें किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं हमेशा अज्यूम करो जब भी ये करना होता है बीच में अपने आप को मान लो और एक फोर्स पुलिस इधर की ओर लग रहा होगा इसको टी मान लेते हैं एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा इसको भी टी मान लेते हैं यहां पे भी नीचे की ओर टी और ऊपर की ओर टी और फिर हम ये ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ठीक है और ऑब्वियसली हम कभी किसी चीज को नहीं भूलेंगे वेट को हम नहीं भूलेंगे एम टू जी इधर लगा दिया एम वन जी इधर की ओर लगा दिया मतलब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं एम वन जी नीचे की ओर टेंशन ऊपर की ओर और इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं एम टू जी नीचे की ओर टेंशन ऊपर की ओर और पुली के ऊपर

तो M1 के ऊपर T1 इधर भी T1 वन पुली पे इस साइड चूंकि ये स्ट्रिंग सेम है तो यहां पे मैंने T1 कर दिया और M2 के ऊपर इधर की ओर पहले टेंशन बना रहे हैं सारा ठीक है इधर की ओर T1 अब अगर मैं यहां पे बीच में होता ठीक है तो मैं क्या कर रहा होता इसको इधर की ओर पुल कर रहा होता और M2 को इधर की ओर पुल कर रहा होता और इसको T2 बोल देता हूं और इसको टी टू बोल देता हूं तो बेसिकली आप ये देखो कि हमने इसके ऊपर टी टू इसके ऊपर टी टू और टी वन ये इस तरीके से बनाया सारे हम स्ट्रिंग को हटा देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एक्सेप्ट वेट अब सब पे वेट लगा देते हैं इस पे वेट कितना हो जाएगा एम वन जी इस पे वेट कितना हो जाएगा एम टू जी इस पे वेट कितना हो जाएगा एम थ्री जी तो इसके ऊपर दो फोर्स टी वन एंड एम वन जी इसके ऊपर भी दो फोर्स T2 और एम और इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं एक T1 ऊपर T2 नीचे और एम भी नीचे की ओर और, और पुली के ऊपर केवल T1 लग रहा है इस वाले पुली पे आप देखोगे तो केवल T1 लग रहा है आ, इधर T1 इधर T1 और ऊपर मान लो T3 ऊपर की ओर अगर मैं इसको भी कट कर देता हूं यहां पे तो ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा T3 कई बार यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन में तो ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम है इस केस में एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को आपको फिर से ट्राई करना वीडियो पॉज करो क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो तब आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पे आना और उसको देखना ठीक है है बच्चों ये वाला देखते हैं यहां अगेन सेम स्ट्रिंग जब सेम स्ट्रिंग है तो सबसे पहले एम वन के ऊपर हम फोर्स लगा लेते हैं ऊपर की ओर टी वन और इस पे भी टी वन और मैं टी वन क्यू ले रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली दो स्ट्रिंग है तो हम अलग अलग टेंशन टी नहीं डिनोट कर रहा हूं इसके ऊपर इधर की ओर ये सेम आ, स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर इधर 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 की और वन, और इधर की ओर ओर और वन, और इधर भी ठीक है? पे अगर मैं बीच में होता तो एक टेंशन इधर की ओर उसको टी टू बोल देते हैं एक टेंशन ऊपर की ओर इसको टी टू बोल देते हैं और अब मैं सारे स्ट्रिंग को हटा दूंगा ताकि आपके सारे बॉडी जो है वो फ्री हो जाए हवा में कुछ इस तरीके से नाउ यू कैन सी ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक सारे फोर्सेस आप देख सकते हो एक्सेप्ट वेट अब हम वेट लगा लेते हैं इधर एम वन जी ये तो वेटलेस है इधर की ओर एम टू जी तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक टी वन एक एम वन जी इसके ऊपर तीन फोर्सेस टी वन टी वन टी टू और इसके ऊपर टी एंड एम इस तरीके से और इसके ऊपर अगर मैं इस स्प्रिंग को हटा दूं और एक और टेंशन ऊपर की ओर टी थ्री बोल देता हूं तो इसके ऊपर एक टी थ्री ऊपर और नीचे की ओर दो टेंशन टी वन टी वन आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये सारी चीजें कि हम फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बना रहे हैं मतलब ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की आप अगर कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ जाते हो कॉन्सेप्ट मतलब इलेवंथ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट मतलब कई बार हम जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हमें लगता है कि यार धांसू देख लेते हैं समझ लेते हैं कई बार हम जब वीडियो देख रहे होते हैं ना हमें लगता है कि हम समझ में आ गया और कई बार ये सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने प्रिपरेशन में कि हम वीडियो देखते रहते, देखते देखते रहते 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 प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं पेन कॉपी उठाओ लग जाओ यार मतलब जो बच्चे पेन कॉपी उठा के नहीं लगते हैं ना मतलब अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो खुद से खुद अपना हाथ नहीं चला रहे हो तो आपका दिमाग भी नहीं चलता है ये पक्का है वीडियो देख के अगर अः ऐसे होने लग जाए बच्चों का सिलेक्शन तो भाई मतलब मिराकल हो जाएगा

पे अटैक करना है अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं कुछ भी कर लू कितना भी हाथ पर चला लू ना मेरी फिजिक्स नहीं स्ट्रॉग होने वाली ये पक्का है तो मैं बार बार देख रहा था बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं और हर बार मैं देखता हूं कि बच्चों के ना कॉन्सेप्ट मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं फिर अटक जाते हैं फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं फिर मुझे लगता है यार इनका ना तरीका इन्होंने रट्टा मार लिया विच इज अगेन इफ यू कैन डू इट वेरी गुड ब्रावो मतलब अगर कर सकते हो हर चैप्टर में दस कॉन्सेप्ट होते हैं

अभी मैं केवल उसमें फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहा हूं मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस लेते हैं ये आई में बहुत पहले ये एक सवाल आया था कि एक कोई चीज है मान लो लॉग ऑफ वुड है या कोई सिलेंडर है जो रोल करता हुआ जाता है और कोने पे जब होता है इस जगह पे जब होता है एक ऑब्जेक्ट तब इसके बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ था और ये एक, एक सिलेंडर है आप अज्यूम करो कि एक टेबल है टेबल के ऊपर रोल कर रही है चीजें और आगे की ओर मूव कर रही है जब कोने में पहुंच गया तब आपके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा इस इस question, इस क्वेश्चन पे कुछ सवाल पूछे हुए थे नाउ अगर मैं इसमें बोलूं कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आप क्या बोलोगे भाई कि भाई ये कोने के साथ कॉन्टेक्ट में है अगर कोने के साथ कॉन्टेक्ट में है तो इसके ऊपर कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा एक अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं करते हैं फिलहाल के लिए जब फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम फ्रिक्शन को भी लेके आ जाएंगे बट अगर इस जगह पे फ्रिक्शन नहीं है कुछ नहीं लगने वाला एक एमजी लगेगा नीचे की ओर और।, और दूसरी चीज हमेशा force, जब भी आपको बनाना है पहले सरफेस बना लो ऐसे तो ये जैसे ही सर्फेस मतलब जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो जैसे ही आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि मुझे करना क्या मतलब अगर ये चीज मैं दे रखा होता कि भाई एक टेंजेंट यहां पे या एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये चीज मूव कर रही है तब तो आप इजी पीजी की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर देते आप बोलते हैं सर हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा मैं भी बोलूंगा बिल्कुल बढ़िया है तो जहां पे भी कॉन्टेक्ट हो रहा है आप वहां पर एक टेंजेंट खींच दो और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लिख दो इस तरीके से नॉर्मल, नाउ वी कैन इधर जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आप अलोंग द एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सारे कॉम्पोनेंट्स लिख सकते हो तो अगर आपने ये इस तरीके से कर लिया इसके अलोंग एन इधर की ओर जो फोर्स होगा या फिर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी क्वेश्चन में पूछा हो आप फोर्सेस को डिवाइड uh, या आप फोर्सेस को उस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो ठीक है अगर ये आपको एंगल पता है किसी तरीके से तो आप इसके लॉन्ग लिख लो नहीं पता है तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके सॉल्व कर लो तो जैसे भी होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों वो ये है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मतलब अगर मैं मान लो कि एक बोलता हूं एक कटोरी के ऊपर ये एक मान लो एक कटोरी है इसके ऊपर मैंने एक बॉल को इस तरीके से घुमा के छोड़ दिया ठीक है ऊपर से नीचे की ओर टक 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 करते हुए ये ऐसे जा रहा है तो अब मैं कैसे करूंगा इस पे अगर मेरे को फोर्सेस बनाना है अगेन कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंट मैं खींच दूंगा कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट पे मैं एक टेंजेंट खींच दूंगा देखो इस कॉन्टैक्ट पे मैंने एक टेंजेंट खींच दिया अब जैसे ही मैंने इस कॉन्टेक्ट पे एक टेंजेंट खींचा मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया मैं अब क्या बोलूंगा भाई इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि सेंटर से पास करेगा हमेशा क्योंकि अगर सर्कल है तो हमेशा सेंटर से नॉर्मल पास होना चाहिए तो हम इधर एक नॉर्मल और, कर रहे हैं। जिसका आप और कर सकते हो। मतलब अब आप देखो बच्चों की क्वेश्चन सॉल्व करना ना हमारे लिए हो गया। एक सवाल अभी 2000 बहुत पहले आया था 2007 2008 में आया था अभी उसमें ये था कि मान लो एक इस तरीके से एक मास है वो एक स्ट्रिंग से अटैच है और यहां पे एक दूसरा मास रखा हुआ है लेट से ये भी M है, और ये भी M है, ये इस तरीके से रखा हुआ है एक स्ट्रिंग लगा हुआ है अब मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाना शुरू कर देते हो आप तो आपको ये बताना था उस क्वेश्चन में कि जब इनके बीच में और ये दिया हुआ था डिस्टेंस इनके बीच में ये ए है और ये भी ए है तो बोला हुआ था कि जब इनके बीच में डिस्टेंस टू एक्स हो जाए तो आपको इस पार्टिकल का एक्सलेशन बताना था अज्यूमिंग कि ये पार्टिकल सीधा ही जा रहा है मतलब मतलब स्ट्रिंग खींच रहा, रहा है ये पार्टिकल की की वजह से इधर इधर ओर ही जा दोनों पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं अब आपको ये बताना था नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं सोल्व करके नॉट सॉल्विंग इट बट थ्रू फ्री बॉडी डायग्राम क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम इज ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन सोल्व तो अब क्या करेंगे हम यहां पे मान लो कुछ देर के बाद हम बोल देते हैं ये ब्लॉक जो है ये टक 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 यहां आ गया ये ब्लॉक कहीं यहां आ गया अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना रह गया इनके बीच में 2x डिस्टेंस रह गया और फोर्स कांस्टेंट लग रहा था ये दिया हुआ था तो ये कुछ ऊपर चला जाएगा स्ट्रिंग ये भी कुछ ऊपर चला जाएगा और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ अब तो देखो ये पहले वाला क्वेश्चन जो अभी हम स्ट्रिंग वाला कर रहे थे उतना इजी नहीं हो गया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गांठ है क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बीच में अब गांठ बन बन गया गया दो अलग स्ट्रिंग बन गया। उस पॉइंट पे फोर्स जैसे ही आपने लगाया ये स्ट्रिंग बदल गया अलग अलग हो गया अब हो सकता है सिमेट्री की वजह से आप बोल लो कि टेंशन सेम है ठीक है वो प्रूफ भी हो जाएगा बट अलग अलग भी मान के चल सकते हो आप यहाँ पे चलो मान लेते हैं अभी स्ट्रिंग सिमेट्री है सब कुछ सेम है तो टेंशन सेम होगा ये वाई डिस्टेंस है तो ये आधा डिस्टेंस एक्स ये आधा डिस्टेंस एक्स अब अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो पहले तो मैं इस गांठ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा वो कितना हो गया? टेंशन टी इधर की ओर टेंशन टी, टी यही होगा इस गांठ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो तीन फोर्सेस एफ टी और टी अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर सारे फोर्सेस बनाऊं इस ब्लॉक के ऊपर तो क्या हो जाएगा टेंशन हमेशा किधर लगता है स्ट्रिंग के अलोंग तो स्ट्रिंग तो ऊपर गई तो टेंशन इधर की ओर लगेगा और यहां पे टेंशन यहां पे टेंशन सेम चूंकि सिमेट्री है तो मैं किसी एक मास के लिए बना लूं तो सेम चीज दूसरे मास के लिए होगा इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा मतलब ये चीज इसको मूव करा रही है ये इसको मूव करा रही है क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये पार्टिकल जो है हमेशा इस तरीके से मूव कर रहा है और वो

अब यहां से भी आ जाता कि क्योंकि ये इधर की ओर लेता इधर की ओर लेता सिमेट्री से तो ये वाला कॉम्पोनेंट अगर मैं इसको टी वन मानता इसको टी वन टी टू मानता तो T1 का ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू T2 का ये वाला कंपोनेंट चूंकि एंगल सेम है तो हम क्या बोल देते T1 T2 के बराबर है इसलिए सिमेट्री मैंने मान लिया था अब यहां से मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा इसका ये वाला कंपोनेंट

Cos theta, cos theta cancel, T1 T2 के बराबर इसलिए हमने सिमेट्री ले कोई भी प्रॉब्लम चाहे वो एडवांस का हो ओलंपियाड का हो अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया एंड इतना टाइम जो मैं स्पेंड कर रहा हूं यहां पे उसका रीजन यही था कि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर ये फ्री बॉडी डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल क्लियर हो जाए और हर जगह पे न्यूटन पे जब भी हम न्यूटन से रिलेटेड जो भी हम सवाल सॉल्व कर रहे चैप्टर से related, से रिलेटेड लॉज ऑफ मोशन उसमें हर जगह पे आई विल एंश्योर कि हम फ्री बॉडी डायग्राम जो है इसको मैं आपको डिटेल में फ्री बॉडी डायग्राम करवाऊंगा ताकि आप एक बार फ्री बॉडी पे आपका हाथ साफ हो गया फिर आप कभी गलती नहीं करने वाले हो ठीक है बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखेंगे यहीं पे फिनिश कर देते हैं एंड देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो जहां हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करने वाले हैं ठीक है बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर इन माई नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो शेयर कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल